इंसान अगर बच्चे को खाना खिलाना चाहे और लुकमा नरम करना चाहे, या कभी जो लोग खाना पकाने का काम करते हैं आप में से, हो सकता है उन्हें कभी खाना चखना पड़ जाए, तो हालत रोज़ा में वो चीज़ जो हलक से नीचे नहीं जाती और सिर्फ चखी जा सकती हो, मसलन नमक चख लेना, तो नमक चखने से रोज़ा बातिल नहीं होता। अगर इंसान को ये मालूम ना हो कि चखने की वजह से कुछ अंदर चला जाएगा तो रोज़ा बातिल नहीं है चखने से। अब ऐसे में अगर चला भी गया रोज़ा बातिल नहीं होगा क्योंकि उसको मालूम नहीं था, बेसाख्ता बेइख्तियार। इसका मतलब बड़ा आसान सा है, अगर पहले से मालूम था कि चखूंगा तो अंदर चला जाएगा हलक, कोई ज़र्रा, कोई उसका हिस्सा, कोई उसका खास पानी अंदर चला जाएगा और फिर उसके बाद यह अमल अंजाम दे तो रोज़ा बातिल हो जाएगा और कफ़ारा भी वाजिब होगा। एक नमक चखने गए और वो अंदर चला गया तो 61 रोज़े हैं कफ़ारे के साथ। बात वाज़े हो गई।